जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इलेनी विद दुर्गेश। आज हम लोग पर्यावरण की एक महत्वपूर्ण सीरीज पढ़ने जा रहे हैं, जिस सीरीज का नाम है जैव विविधता। मतलब आज टॉपिक जो है उसका नाम है जैव विविधता। यही टॉपिक है, क्या पढ़ना हम लोग को, जैव विविधता। मानिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। कल हमने इसके बारे में बता दिया था कि जो हमें टॉपिक पढ़ना है उसका नाम है बायोडाइवर्सिटी। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से प्राय परीक्षा में प्रश्न आता है, चाहे जिस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, और अगर वहाँ पे पर्यावरण है तो यकीन मानिए पर्यावरण से प्रश्न आपकी परीक्षा में आना 100% तय है। तो भैया बिना देरी के अब हमें अपनी क्लास की तरफ आगे बढ़ना चाहिए और आप सभी साथियों को वीडियो को अंत तक देखते रहना चाहिए। लेकिन अगर जैव विविधता की टॉपिक की बात करें तो जैव विविधता शब्द का प्रयोग सबसे पहले वाल्टर जी रोजन ने किया था। किसने किया था? वाल्टर जी रोजन ने किया था। याद रखिएगा, ये शब्द पूछा जा सकता है। रोजन ने किया था कब? इन्होंने 1985 में इस शब्द का प्रयोग किया था। और फिर आगे चलकर देखेंगे बहुत सारे विद्वान आके मिलते हैं। विल्सन जो है वो 1986 में राष्ट्रीय संसाधन परिषद को जैव विविधता की जगह जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया था। लेकिन एक एक करके हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। फिर ई लवजाय ने 1980 में इसका जीवी या जैव विविधता शब्द का भी प्रयोग किया। तो एक एक करके हम लोग आगे बढ़ेंगे, सभी तथ्यों को पढ़ेंगे। लेकिन हमारा पहला प्रश्न हमारे डिस्प्ले पर है, जो शायद आपको दिखाई दे रहा होगा, और उम्मीद कर रहे हैं मेरी आवाज़ भी आपको सुनाई दे रही होगी। जल्दी जल्दी आप लोग तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न आपके डिस्प्ले पे दिख रहा है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। एकदम आसान प्रश्न है, हलवा वाला प्रश्न है। मैं उम्मीद करता हूँ जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे और कमेंट करके जवाब जरूर देंगे कि सबसे ज़्यादा जैव विविधता पूरी पृथ्वी पर कहाँ पाई जाती है। तो सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके बताएंगे। मैं इसके बारे में भी तथ्यों को व्याख्या रूप से जरूर बताऊंगा। देखिए, ये हमारी पूरी पृथ्वी हो गई, पूरी पृथ्वी पर यहाँ पर 0 डिग्री हो गई। इसके आसपास के क्षेत्रों को हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर कभी न कभी सूर्य किरणें सीधी पड़ती हैं। जब सूर्य किरणें सीधी पड़ती हैं तो यहाँ पर कभी न कभी प्रतिदिन 2 बजे से लेकर 4 बजे तक घनघोर वर्षा होती है। जब इन क्षेत्रों पर घनघोर वर्षा होगी तो यहाँ पे खूब वन पाए जाएंगे, खूब सारी घासें पाई जाएंगी। जब वन और घास खूब पाए जाएंगे, इससे स्पष्ट है यहाँ पर क्या होगा, सबसे ज़्यादा जैव विविधता होगी। तो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जैव विविधता उष्णकटिबंधी वर्षा वनों में मिलती है। जी हाँ, आप लोगों ने एकदम सही बताया। जिन लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर सी बताया था, उन सबके जवाब पूरी तरह से सही हैं। माने सी वाले एकदम राइट आंसर है। जी हाँ, एकदम सही जवाब, क्योंकि यह यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, केबीएस, डीएसएसबी, यूपी पुलिस, यूपी लेखपाल या यूपीएसआई, किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ भैया, यह टॉपिक आपके परीक्षा में जरूर आता है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। फटाफट वीडियो को शेयर कर दें जो भी साथी अभी तक नहीं जुड़े, ताकि वो भी साथी जुड़ पाएं। सभी जिलों में, जिस जिलों से आप, उन जिलों तक हमारी वीडियो को पहुंचा दीजिएगा। जैव विविधता का अर्थ क्या होगा, फटाफट कमेंट करिए, कमेंट का जवाब जरूर दीजिएगा। जो जैव विविधता है उसका अर्थ क्या है, सभी लोग फटाफट कमेंट करें कि जैव विविधता क्या है, आप जैव विविधता से क्या समझते हैं। 4 विकल्प आपके सामने हैं, आपको कमेंट करके बताना है इनमें से सबसे सही विकल्प कौन सा है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग, जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, वे कमेंट करके जरूर बताइएगा। सभी लोग साथी जो भी लाइव देख रहे हैं बताइए, सभी लोग फटाफट, जो लोग भी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे। सभी लोग देखिए, विभिन्न प्रकार के पादप एवं वनस्पतियों से, विभिन्न प्रकार के जंतुओं से, एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु पे, देखिए इसमें एकदम साफ स्पष्ट है, विदेशगत नहीं। यहाँ पर जिसका सबसे सही उत्तर होगा, किसी भी निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतुओं से। तो जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर सी बताया है, उनके जवाब पूरी तरह से सही हैं। माने सी इसका राइट आंसर है, सी इसका सही जवाब है। तो आप लोगों ने एकदम सही बताया है, सी इसका राइट आंसर है। माने एक निश्चित, जैसे यहाँ पे कोई क्षेत्र है, इन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के जंतु पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार की विविधता पाई जाती है, इन्हें हम जैव विविधता कहते हैं। मैं छोटा सा मैं समझाना चाहूँगा, मैं इस वीडियो को अगर आप लोग इंतजार करें तो मैं इस टॉपिक को अच्छे से डिफाइन करना चाहूँगा। जैसे जैसे हमारा ये घर है, या आपका कोई, आपका ही घर हो गया, यहाँ पर आपका ये घर था। जब इस घर के चारों तरफ आपने काफ़ी मैदानी क्षेत्र है, जब बारिश होती है, खूब बारिश, घनघोर बारिश होती है इस क्षेत्र पे, जब घनघोर बारिश होती है वर्षा ऋतु में, जो वर्षा ऋतु के बाद 1 महीने 2 महीने के बाद अब अपने घर के बाहर निकलते हैं, तो यहाँ पर ढेर सारी घास दिखाई देती है। ढेर सारी घास मतलब घास आ जाती है, उस घास में कई प्रकार के कीट। अगर हम टिड्डा का उदाहरण लेंगे तो एक छोटा टिड्डा, बड़ा टिड्डा,
छोटी टिड्डा, बड़ी टांग वाली टिड्डा, छोटी मूछ वाला टिड्डा, बड़ी मूछ वाला टिड्डा, पीला टिड्डा, हरा टिड्डा, माने टिड्डों में भी प्रकार, माने एक निश्चित क्षेत्र में जीवों में पादपों में कई प्रकार की विविधता दिखाई देती है, इसे ही हम जैव विविधता कहते हैं। लेकिन एक निश्चित क्षेत्र में आपने देखा कि वर्षा ऋतु में हमें ढेर सारी विविधता देखने को मिलती है, इसे ही हम जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी के नाम से जानते हैं। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न के लिए, इसका उत्तर क्या हो गया, सी एकदम राइट आंसर है। क्योंकि देखिए आपके चाहे पीसीएस की तैयारी, सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सुपर टेट की तैयारी, यूपी टेट की तैयारी कर रहे हो, आप लोग को हमेशा पर्यावरण को पढ़ना चाहिए, क्योंकि भारत में सभी परीक्षाओं में पर्यावरण महत्वपूर्ण है। अगला है, जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण क्या है। सभी लोग फटाफट जवाब दीजिएगा कि भैया जैव विविधता क्यों कम हो रहा है, क्यों कम हो रहा है बताइए, सभी लोग फटाफट बताएंगे। देखिए सभी साथी वीडियो को शेयर जरूर कर देंगे, डेली क्लास के लिए आप टेलीग्राम पे जुड़ेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक, अगर आप लिंक ना मिले तो टेलीग्राम पे दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जुड़ सकते हैं। फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब ई लर्निंग विद दुर्गेश है। जल्दी से फटाफट बताएं वीडियो को, अपने साथी मित्रों को पहुंचा दें। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है बताइए, मतलब ऐसा लगता है आप लोग का पैसा कट जाएगा लाइक करने से। देखिए अगर हम प्रदूषण करते हैं तो कम होते हैं, सही बात है, विदेशी प्रजातियों को जब प्रवेश लाते हैं तब भी कम होता है। मेरी बात गौर समझिएगा, जैसे यहाँ पर हम एक छोटी सी थ्योरी पढ़ाएंगे, बताएंगे अगर आप सुनना चाहें तो। एक होता है, जाने दीजिए अभी आगे हम लोग पढ़ाएंगे, क्योंकि अभी पढ़ा देंगे तो आप लोग कहेंगे सर ये क्या, ये कहाँ से नहीं टॉपिक आ गया, अत्यधिक दोहन। देखिए जब आवास उनका विनाश होगा, आवास कैसे विनाश होगा, जब हम प्रदूषण करते हैं, जब हम कई बाहर की प्रजाति, जैसे हमारे यहाँ एक बैगन का पेड़, एक बैगन उदाहरण लेते हैं, जैसे अगर हम बैगन यहाँ पर लगाते, एक पेड़ के बैगन में 5 बैगन होता है, अगर कोई अमेरिकी या कोई अन्य देश से अगर हम कोई प्रजाति लाते हैं और उस बैगन में एक ही पेड़ में 50 बैगन होते हैं, हम इसको लगाएंगे कि इसको, किसको लगाएंगे, आप इसको छोड़कर इसको लगाएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, ये पौधा खत्म हो जाएगा। इसलिए विदेशी प्रवेश, अत्यधिक दोहन, इसका दोहन होगा, इन तीनों का कारण से उसका आवास विनाश होगा। जब उसका आवास विनाश होगा, ठीक है, जब उसका आवास विनाश होगा तब हम कहते हैं कि जैव विविधता लगातार संकट में है, जैव विविधता खतरे में है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, डी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, डी क्या होगा, इसका सही जवाब होगा। जो भी साथी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, पहला काम वीडियो को लाइक करें, दूसरा काम सबसे पहले वीडियो को शेयर कर दें, ताकि आपकी संख्या जो भी है, अगर आप लोगों ने लोगों तक पहुंचा दें, 10-10 लोग आपके साथ जुड़ते हैं तो एक बड़ी क्लास हो जाएगी ई लर्निंग विद दुर्गेश पर पर्यावरण की। ये क्लास प्रतिदिन रात 9:30 बजे ई लर्निंग विद दुर्गेश पर लाइव चलती है। अगला प्रश्न है, इसका उत्तर डी था। अगला है कि जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है। एकदम आराम से प्रश्न को बताइएगा, जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करेंगे और कमेंट करके बताएंगे जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है, बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएं, सभी लोग फटाफट कमेंट करें, जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे और कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब देंगे। यह बताइए जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू भोजन है, औषधि है, औद्योगिक उपयोग है, भैया पादकीय तंत्र का निर्वहन है। ऐसे परीक्षाओं में प्रश्न आएंगे तो आप गलतियां कर जाएंगे, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर डी इसका सही जवाब है, डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, एक बात तो समझ में आ गई कि जितने लोग भी वीडियो को लाइव देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक इसलिए नहीं करते ताकि उनको क्लास समझ में नहीं आती। वाह भाई वाह, जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या हो गया, पादकीय तंत्र का निर्वहन होगा। चलिए तब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, अगला है जैव विविधता को परिभाषित किया जाता है। फटाफट कमेंट करके बताइए कि जैव विविधता को कैसे परिभाषित किया जाता है, सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे और कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब जरूर देंगे। सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे, थोड़ा मैं तेजी से पढ़ाऊंगा क्योंकि आप लोग खुद अपनी मदद चाहते हैं, दूसरे की तक चीजें अच्छी नहीं पहुंचाना चाहते। चलिए देखिए, भौतिक घटकों का किसी पर्यावरण पर प्रभाव, एक प्रजाति की दूसरी प्रजाति से भिन्नता, किसी पर्यावरण में रोजाना और मौसमी परिवर्तन, यहाँ पर किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी क्या होगा। तो यहाँ पर हमने ये देखा, इस प्रश्न का सबसे सही उत्तर जो होगा, किसी भी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी, जैसे मैंने बताया छोटा टिड्डा, बड़ा टिड्डा, हरा टिड्डा, पीला टिड्डा, छोटी टांग वाला टिड्डा, मतलब टिड्डों में ही कई प्रजातियाँ आ गई। तो यहाँ आपका उत्तर क्या होगा, ए इसका सही जवाब होगा, ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो जैव विविधता को परिभाषित किया जाता है किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी में। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ, तो आप लोग जैसे भी जुड़िएगा वीडियो को, ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न आपके सामने, जैव विविधता दिवस कब मनाया था? बहुत ही यूनिक प्रश्न है और ये प्राय ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं और प्राय ऐसे प्रश्नों में हमसे गलतियां भी हो जाती हैं, लेकिन आप यहाँ पे गलतियां करिएगा किंतु परीक्षा हाल में ऐसी कोई भी गलती मत करिएगा, क्योंकि अगर ऐसी गलती आप परीक्षा हाल के अंतर्गत करते हैं तो फिर वहाँ पर सिवाय आपको गलती के कुछ भी नहीं संभव है। फटाफट कमेंट करके बताएं, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, सभी लोग फटाफट कमेंट करें कि जो जैव विविधता दिवस है वो कब मनाया जाता है। यार एकदम आसान सा प्रश्न है, आप लोग जानते रहिएगा कि जो जैव विविधता है, सभी लोग बताएं, देखिए लाइव जो लोग वीडियो को देख रहे हैं फटाफट कमेंट करें कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। 29 दिसंबर रट्टा मार लीजिएगा, इसकी स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। ऐसे प्रश्न प्राय परीक्षा में आते हैं और प्राय हमसे गलतियां होती हैं, तो याद रखिएगा कि जैव विविधता जो दिवस है वो कब मनाया जाता है? 29 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई, मैं कॉन्सेप्ट को एक बार और क्लियर कर देता हूँ। देखिए एक होता है राष्ट्रीय और एक होता है अंतर्राष्ट्रीय, और यहाँ पे मैं थोड़ी सी बात को यहाँ पे कंफर्म कर दूंगा। देखिए एक होता है 22 मार्च, फिर एक होता है 22 अप्रैल, फिर होता है एक 22 मई। तो यहाँ पे दो बातें हैं, यहाँ पे जैसा कि प्रश्न अधूरा इसलिए यहाँ पर हम लोग को थोड़ा ध्यान देना होगा। 22 मार्च को जल दिवस, 22 अप्रैल को थल दिवस, 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, लेकिन यहाँ पर यह बात पूरी तरह से क्लियर नहीं था कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय। तो याद रखिएगा एक जैव विविधता दिवस 29 दिसंबर को भी मनाया जाता है, यह बात नोट करके रखिएगा। आप लोग 22 मई वाला भी जानते रहिएगा, यहाँ पे 22 मई का भी जानते रहिएगा, लेकिन एक 29 दिसंबर को भी मनाया जाता है, यह भी याद रखिएगा। हो सकता है प्राय कभी परीक्षा में आपको आ जाए, तो एक 22 मई तो है, 22 अप्रैल जल दिवस, थल दिवस, जैव विविधता दिवस, ये तीन दिवस है, ये आप तो अच्छी तरह से जानते होंगे 22 वाला, लेकिन एक और दिवस है 29 दिसंबर को है, एक राष्ट्रीय होता है एक अंतर्राष्ट्रीय होता है, दोनों बात को आप जानते रहेंगे तो शायद भविष्य में आपके साथ अगर ऐसे प्रश्न आएंगे तो शायद गलतियां ना होने पाए, इस बात का आप लोग विशेष ख्याल रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर 22 मई भी है और 22 अगर 22 मई ऑप्शन में तो 22 मई, अगर 22 मई ऑप्शन में नहीं है तो 29 दिसंबर को भी टिक आप कर लेंगे, क्लियर। तो सारे कॉन्सेप्ट उम्मीद करता हूँ आपका क्लियर हो चुका होगा। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने शायद शिक्षक भर्ती के ऑनलाइन क्लास के परीक्षा संबंधित यहाँ पर सुपर टेट और ऑफर है, यहाँ पे ऑनलाइन क्लास के लिए जौनपुर जनपद से चलती है, अगर आपको सुपर टेट में ज्वाइन करना है तो आपका मोस्ट वेलकम। अगला प्रश्न आपके सामने शायद आपको दिख रहा होगा कि भारतीय वन्य जीव के संदर्भ में उड़न बगुल्स फ्लाइंग फॉक्स क्या है? फ्लाइंग फॉक्स क्या है? सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा, कमेंट करके जवाब दीजिएगा। भारत में फ्लाइंग फॉक्स किसे कहा जाता है? जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं जरा फटाफट कमेंट करेंगे और कमेंट करके बताएंगे भारत में फ्लाइंग फॉक्स किसे कहा जाता है। सभी लोग फटाफट कमेंट करें और जल्दी से जवाब दें, क्योंकि आज की प्रश्न की संख्या थोड़ा तेजी से खत्म करना है, क्योंकि जैव विविधता में बहुत ज्यादा डिफाइन नहीं करना है। हाँ बाकी जब मैं इसकी सीरीज पढ़ाऊंगा तो मैं वहां पर प्रयास करूंगा हर एक तत्व को पूरी तरह से निचोड़कर आपके सामने रख दूं। यहां पर क्या होगा, चमगादड़ को फ्लाइंग फॉक्स के नाम से जाना जाता है, किसको? चमगादड़ को फ्लाइंग फॉक्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ, हो सकता है यहाँ पे आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य मिल जाए, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि पर्यावरण के संदर्भ में भारत में पाए जाने वाले हॉटस्पॉट क्या है? सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करने के बाद जवाब देंगे कि पर्यावरण के संदर्भ में भारत में पाए जाने वाले जो हॉटस्पॉट हैं वो सभी क्या हैं। सभी लोग जरा फटाफट कमेंट करेंगे, क्योंकि आज की क्लास थोड़ी सी छोटी होगी, ताकि आप लोग जल्दी से जवाब दे देंगे तो सही है, क्योंकि आप लोग लोगों तक नहीं पहुंचाते क्लास को, और कितना भी मेहनत से पढ़ा दिया जाए और आप लोग सपोर्ट नहीं करते, ठीक है। सभी लोग फटाफट कमेंट करें। सभी लोग फटाफट कमेंट करें। ठीक, सभी लोग फटाफट कमेंट करें। चलिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, अगर आप लोग इस लर्निंग विद दुर्गेश पर जुड़े होंगे तो शायद ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, यहाँ से परीक्षा में प्रश्न आ चुके हैं, तो चलिए अब हम इसकी तैयारी करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे अच्छी तरह से बता पाएंगे। अगर पर्यावरण के संदर्भ में देखा जाए तो यहाँ पर क्या क्या तथ्य आपके लिए हैं, तो बहुत सारे लोगों ने इसका उत्तर ए, बहुत सारे लोगों ने सी दिया है,
यहाँ पे एक बात आप लोग हमेशा याद रखिएगा, मैं यहाँ पे एक छोटा सा मैप बना दे रहा हूँ भारत का। माना ये हमारा भारत है ना, तो जो भारत का ये पूर्वी घाट है, ये क्षेत्र ये नहीं आता। तो पूर्वी घाट कहाँ है, यहाँ पर ही है। पूर्वी घाट यहाँ पे, पूर्वी घाट यहाँ पे, तो सीधी सी मतलब पूर्वी हिमालय श्रृंखला और पश्चिमी घाट। याद रखिएगा पूर्वी घाट हॉटस्पॉट क्षेत्र में नहीं आता, ठीक है। एक बात याद रखिएगा, मुर्गा बोल रहा है बगल में, एक मुर्गा है काफ़ी साल पुराना है, वो रात दिन हमेशा चिल्लाता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों ने यहाँ पे ध्यान दिया कि जो पूर्वी हिमालय है, पूर्वी हिमालय की जो सीरीज है और पश्चिमी घाट, तो याद रखिएगा एक बात हमेशा कि जो पश्चिमी घाट है और पूर्वी घाट, तो पूर्वी घाट जो है वो हॉटस्पॉट जोन के अंतर्गत नहीं आता। कभी भी परीक्षा में आपके सामने ऐसा प्रश्न आए तो जहाँ जहाँ पे पूर्वी घाट दिखे उसे आप काट दीजिएगा, आपका उत्तर हमेशा सही होगा। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा, सी। जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर सी बताया है उन सबके जवाब सही हैं। ये क्लास प्रतिदिन रात 9:30 ई लर्निंग विद दुर्गेश पर लाइव चलती है, ठीक है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, शायद आपको दिखाई दे रहा होगा कि भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान क्या है। अब ये मैं उम्मीद करता हूँ कि यह प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे होंगे, मेरी बात अगर अभी तक उन्होंने थोड़ा सा भी हिंट समझा होगा तो शायद आपका प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर अगर हम मैप बनाना चाहें तो मैप पहले बना लें ताकि सीरीज को पढ़ाते समय आपको तकलीफ ना हो। माना ये हमारा भारत है, ठीक है। भारत में कह रहा है पश्चिमी घाट, माने पश्चिमी घाट वाला माने ये हिस्सा, फिर कह रहा है पूर्वी घाट माने ये हिस्सा, फिर कह रहा है थार का मरुस्थल ये हिस्सा, बंगाली खाड़ी कह रहा है तो ये हिस्सा। यहाँ पे पूछ रहा है कौन सबसे धनी है, एकदम आसान सा प्रश्न है, सभी लोग बताइएगा। देखिए यहाँ पर पश्चिमी घाट इसका सही जवाब है। देखिए सामान्य अध्ययन में है और पर्यावरण में भी, और भारत की हर परीक्षा के लिए ये महत्वपूर्ण है, और ये आपको ठीक है। तो यह आप सभी को हमेशा याद रखना होगा कि जो जैव विविधता की दृष्टि से भारत का पश्चिमी घाट जो है सबसे ज़्यादा धनी है। कौन सा पश्चिमी घाट, एकदम रट्टा मार दीजिएगा। और ये क्लास रात 9:30 चलती है, सभी लोग लाइव आ जाया करिएगा। हाँ, तो जो पूर्वी घाट नहीं होगा तो पश्चिमी घाट बचेगा, ठीक है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ, इसका उत्तर क्या होगा, ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपके सामने डिस्प्ले पर शायद दिख रहा होगा, और यहाँ पे लेखपाल की बैच इलेवन पर दुर्गेश पर ज्वाइन कर सकते हैं अभी 15 अक्टूबर तक, आप 1000 रुपये में और 80% यहाँ पे ऑफ है। यहाँ पे मोबाइल नंबर दिया गया, इस पर नंबर जुड़ सकते हैं। क्लासेस जौनपुर जनपद से संचालित की जाती हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी इस प्रश्न का उत्तर जरूर बता पाएंगे। कोई भी ऐसा नहीं होगा जो ये कहेगा सर इसका उत्तर आपको नहीं पता है या आपको इसका उत्तर नहीं, क्योंकि मैंने ऊपर ही व्याख्या कर दिया था। सभी लोग फटाफट कमेंट करें और इस प्रश्न का जवाब दें। जो भी साथी लेने भी दुर्गे से जुड़े, अगर आपको लग रही क्लास बेहतर हो तो अपने सभी साथी मित्रों को शेयर जरूर करिएगा। और जो भी नए साथी आ रहे टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे दुर्गेश सर सर्च करके, क्योंकि क्लास की सभी लिंक आपको वहाँ पर मिलेगी, जल्दी सभी क्लास की पीडीएफ आपको उपलब्ध करा दी जाएगी, ठीक है। हाँ, आप लोग लाइक करेंगे तो आपका पैसा कट जाएगा। देखिए याद रखिएगा, मैंने कई बार बताया कि हमारी ये पूरी पृथ्वी है सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होती है, ये 0 डिग्री वाले क्षेत्र पर होती है, ठीक है। ये क्या होते हैं, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। शुरू में ही मैंने इस प्रश्न को व्याख्या कर दिया था, ये रटा रटाया प्रश्न है। और भूमध्य रेखा से ज्यों ज्यों ध्रुवों की तरफ बढ़ेंगे जैव विविधता ह्रास होता जाता है, जैव विविधता कम होता जाता है, ठीक है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ए इसका सही जवाब होगा। हमेशा आगे पीछे आता है और विकल्प ऊपर नीचे कर देता है, ठीक है। लेकिन आपको ऐसे प्रश्नों को हमेशा याद रखना है, ये प्रश्न एकदम रटा रटा है, मतलब बार बार पूछा जाता है। अगला सवाल आपके बीच है, शायद आ चुका होगा, निम्नलिखित में से रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत रामसर स्थल क्या है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, और मैं एक टॉपिक है रामसर समझौता, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा कि रामसर समझौता क्या है, इसका संबंध किससे है। इन सभी तथ्यों पे मैं एक बड़ी टॉपिक दिन लूँगा और मैं वहाँ पर सभी तथ्यों के बारे में व्याख्या करूँगा कि रामसर है क्या आखिर में, और यहाँ से प्राय परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है इसका क्या उद्देश्य है। तो जो लोग चाहते हैं कि रामसर के बारे में जानना, तो मैं थोड़ी सी उनके बारे में बता दूँ कि यह विश्व में आर्द्र भूमि की संरक्षण की एक संधि है। तो पूरी दुनिया में आर्द्र भूमि की संरक्षण की एक संधि है, और यह संधि जो है ये फरवरी, लिख लीजिएगा फरवरी 1982 में भारत इस संधि के देश में शामिल हुआ था। भारत कब शामिल हुआ था, प्रश्न पूछा जाता है, भारत कब सम्मिलित हुआ था, तो रामसर कन्वेंशन स्थल है या आर्द्र भूमि जो है इसमें भारत 1982 में फरवरी में सम्मिलित हुआ था। इसमें 6 आर्द्र भूमि स्थल है भारत में, लिखना चाहे लिख लीजिएगा। जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे फटाफट कमेंट करेंगे और कि आप लिखना है तो लिख लीजिएगा। पहला चिल्का झील, लिखिएगा, ये प्रश्न पूछा जाता है, चिल्का
झील भाई, अगर इसको सिलेक्शन लेना वो लिख ले, जिसको नहीं लेना है कोई बात नहीं। दूसरा बुलर झील, बुलर झील लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, वो आपके ऊपर है। मैं इसलिए कहता हूँ कॉपी लेकर मेरी क्लास में बैठा करिएगा। सांभर झील, मेरी राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ है लेकिन आपको मेरी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, मेरी आवाज़ें मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। चौथा लोकटक झील, ये भारत के 6 आद्र भूमि स्थल हैं। पांचवा हरिके बैराज, हरिके बैराज। छठा केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान। ये भारत के 6 लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, ठीक है। और विश्व आद्र, जो आद्र भूमि दिवस मनाया जाता है, ये प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। भारत में आद्र भूमि दिवस कब मनाया? 2 फरवरी को। भारत इसमें सम्मिलित हुआ था कब? एकदम रट्टा मार दीजिएगा, कब? 1982 फरवरी में। तो यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ कि जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं किसी का भी यह प्रश्न गलत नहीं होगा। मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आपने एकदम सही तरीके से किया होगा। इसकी स्क्रीनशॉट लीजिएगा। भारत में कुल 6 आद्र भूमि है। प्राय परीक्षा पूछता है निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि भारत जो है वो कब सम्मिलित हुआ था? फरवरी 1982 में हुआ था, ये बात आप लोग जानते रहिएगा। इस सूची में भारत कब सम्मिलित हुआ था? फरवरी 1982 में सम्मिलित हुआ था। यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, चिल्का झील, बुलर झील, सांभर झील, लोकटक झील, हरिके बैराज, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, माने चिल्का, बुलर, सांभर, लोकटक, हरिके बैराज, केवला, ऐसे आपको रट्टा मार के रखना होगा, ठीक है। चलिए, 6 आद्र भूमिया है इस किसके? ई 1982 के संधि के अनुसार। अभी एक प्रश्न आया है कि अनुप जी ने कहा कब तक 27 हो चुके हैं, 37 हो चुके हैं, 10 और, लेकिन ये जब समय भारत को, याद रखिएगा, जिस समय भारत इसका सदस्य बना था उस समय यह केवल, ये लिख लीजिएगा भाई, 1982 की घटना है। नहीं तो अभी आप लोग कहेंगे सर अब तो बढ़ गए। 1982 में जिस समय भारत इस सूची में सम्मिलित हुआ था उस समय 6 स्थानों को रामसर संधि के अंतर्गत रखा गया था। वो 6 हैं, चिल्का झील, बुलर झील, सांभर झील, लोकटक झील, हरिके बैराज, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान। ये कब है? ये 1982 में था, क्लियर। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न आपके बीच है, शायद उम्मीद करता हूं आपको ये दिखाई भी दे रहा होगा, मेरी आवाज आप लोग तक सुनाई भी दे रही होगी। चलिए यहां पर प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्यों में किसने भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणी आद्र भूमि है? सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे और कमेंट करके जवाब देंगे। जो लोग भी वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करेंगे और कमेंट करने के बाद जवाब देंगे। जो भी साथी लनी भी दुर्गेश पर जुड़े हैं फटाफट कमेंट करें। देखिए, राज्यों में किसने भारत सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणी आद्र भूमि है? तो जब लवणी आद्र भूमि की बात की जाती है, देखिए मध्य प्रदेश में तो हो ही नहीं सकता, हरियाणा में हो ही नहीं सकता, बच्चा गुजरात और राजस्थान, क्यों? क्योंकि यहाँ पे लवणी झील आने का कोई सवाल ही नहीं है। ठीक है, ये माना ये हमारा भारत है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा अगर है तो यहाँ पर आपका गुजरात होगा। तो जितने लोग लनी भी दुर्गेश से जुड़े हुए हैं, इसका उत्तर क्या होगा? गुजरात इसका सही जवाब होगा। जी हाँ, जितने लोगों ने इसका उत्तर ए बताया था उन सबके जवाब पूरी तरह से सही, माने इस प्रश्न का राइट आंसर है, इस प्रश्न का सही जवाब है। तो चलिए एक एक करके हम लोग आगे जुड़ते रहेंगे, अभी तो बहुत कुछ पढ़ना है। अभी तो हमने जो आद्रता भूमि था उसके बारे में थोड़ी बातें जानी है, और अभी बहुत सारी चीज़ें हम लोग को पढ़नी थी, बहुत सारी चीज़ें हम लोग को समझनी थी। तो उम्मीद करते हैं एक एक तथ्य को हम लोग पर्दा उठाएंगे और एक एक तथ्य को आगे पढ़ते हुए चलेंगे, ताकि आपके परीक्षा में आए हुए सभी तथ्य को, सभी कॉन्सेप्ट को हम लोग आसानी से हल कर सके, हम आसानी से समझ सके। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ से सारे प्रश्न आपका समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों तक पहुँचा दीजिएगा, सभी साथी मित्रों को शेयर कर दीजिएगा। मेरी कामना सबके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चलते हैं फिर। और हाँ, यह आखिरी प्रश्न था आज का, नहीं अभी और है क्या जी? लग रहा है, अरे बाप रे, अभी और है, अभी और प्रश्न है यार, रुकिए, अभी और प्रश्न है। आप लोग भागना मत शुरू करिएगा, अभी भागिएगा मत, अभी और, मैंने ध्यान नहीं दिया, अभी और भी प्रश्न बचे हुए हैं। आप लोग एकदम घबराइएगा मत, जो लोग लेने में दुर्गेश से जुड़े एकदम जुड़े रहिएगा। अभी और प्रश्न है, अभी और प्रश्न है भैया, भागिए मत, पहले शेयर कर दीजिए।
अभी प्रश्न है, मैं तो ध्यान ही नहीं दिया। देखिए केबीएस टीआरटी की ऑनलाइन बैच शुरू हो चुकी है और यहाँ पे वीडियो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध है। 50% आप मोबाइल नंबर ये टीडी कलेगेट के पास जौनपुर में चलती है। ठीक है, अभी अगला प्रश्न आपके सामने है, मुझे ध्यान नहीं दिया। निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिकी तंत्र जैव विविधता के बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं जरा फटाफट कमेंट करेंगे और कमेंट करके जवाब देंगे। जो भी साथी लनी भी दुर्गेश पर जुड़े हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे और कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब देंगे। सभी साथी फटाफट कमेंट करें, कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र की जैव विविधता के बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है? सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब देंगे। पहला काम वीडियो को शेयर कर दें, सभी लोग पहला काम वीडियो को शेयर कर दें। देखिए सभी लोग फटाफट वीडियो को शेयर करें यार, लोगों तक पहुंचाइए। बताइए जल्दी जल्दी, नहीं बताएंगे? चलिए तब आप नहीं बताएंगे तो हम बताएंगे। भाई आप लोग नहीं बताएंगे तो क्या करें? देखिए यहां पर क्या होगा आपका कि पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता ये तो होनी चाहिए, मध्य व्यवधान ये भी होना चाहिए, पारिस्थितिकी तंत्र की आयु ये भी होना चाहिए, पोषण स्तरों की कम संख्या यह आपके लिए उत्तरदायी नहीं है, पारिस्थितिकी तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए यह उत्तरदायी नहीं है, और जो गलत है वही सही है। माने इस प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर होगा वह आपका क्या होगा कि पोषण स्तर संख्या की कमी होगा। उम्मीद करता हूँ ये तथ्य आपको समझ में आ चुका होगा। आगे बढ़ रहे अगले प्रश्न की तरफ, आपकी संख्या कम इसलिए मैं थोड़ा तेजी से खत्म करना होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण कब स्थापित किया गया? फटाफट प्रश्न बताइएगा इसका उत्तर क्या होगा। जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया, कहाँ किया गया? यहाँ से दो प्रश्न पूछा जाता है, बताइए यहाँ से दो, कहाँ किया गया और कब किया गया? दो प्रश्न है, दोनों का जवाब दीजिए। बताइए सभी लोग। देखिए 2003 में किया गया था, एकदम राइट। उसके बाद कहां पे? चेन्नई में। इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? ए इसका सही जवाब होगा। जितने लोगों ने इसका उत्तर ए बताया उनके जवाब पूरी तरह से सही हैं। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे प्रश्न है और उसका कूट दिया गया है, शायद मुझे लग रहा आपको दिखाई दे रहा होगा। निम्नलिखित में से कौन सी भौगोलिक जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं? इसमें सही कथन मतलब बताना है क्या क्या होगा, जरा फटाफट आप लोग कमेंट करके बताना चाहेंगे या मैं हम आगे बढ़ें? देखिए यहाँ पर मैं आपको स्पष्ट कर दूं क्योंकि उत्तर नीचे दिया गया है, कौन कौन से जैव विविधता के लिए संकट उत्पन्न कर सकते हैं, तो एक बार आप लोग बताएं क्या क्या हो सकता है, उसके बाद मैं आराम से आपको बताऊं इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। सभी लोग फटाफट कमेंट करें, गलत हो या सही आपको जवाब देना चाहिए। देखिए वैश्विक तापमान ये संकट कर सकता है, जब तापमान बढ़ेगा तो बर्फ पिघलेंगी और जैव विविधता का ह्रास होगा, फिर आवास का विखंडन, आवास खत्म होंगे तब भी जैव विविधता संकट में आएगी। विदेशी जाति का संकट, जब विदेशी जाति एंट्री करेंगे, जैसे हमें देखा कोरोना आया और कोरोना के बाद यहाँ पे संकट उत्पन्न हो गया, फिर शाकाहार ये नहीं, ये साकार प्रसार नहीं, क्योंकि सभी जो ये पास के तंत्र बना हुआ एकदम लेबल में बना हुआ, सब एक दूसरे कोई दिक्कत, यहाँ पर क्या होगा एक दो तीन वाला जो विकल्प होता वो सही होता, क्योंकि यहाँ पे चौथा यहाँ पर गलत होता, इसलिए हम विकल्प की तरफ चलते हैं। इसका सही उत्तर क्या होता, यहाँ पर जो कूट दिया गया है, यहाँ पर जैविक विविधता हॉटस्पॉट के रूप, अच्छा कहाँ गया जी, अच्छा नहीं दिया है, याद रखिएगा यहाँ पर क्या होता, नीचे कट गया प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न आपके बीच है, शायद आपको दिखाई दे रहा होगा, निम्नलिखित में से किसे भारत में जैविक विविध हॉटस्पॉट के रूप में पहचाना जाता है? फटाफट कमेंट करिए, निम्नलिखित में से किसे भारत में जैविक विविध हॉटस्पॉट के रूप में पहचाना जाता है? सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे और कमेंट करके सभी प्रश्न का जवाब देंगे। जो लोग भी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं वे सभी लोग, एकदम आसान सा प्रश्न है, परीक्षा में प्राय प्रश्न पूछा जाता है और उम्मीद करते हैं कि ऐसे प्रश्न अगर आप लगातार रेणी भी दुर्गे से जुड़े होंगे तो बार बार मिलता है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, तो ऐसे प्रश्नों को आपने कई बार किया होगा। हॉटस्पॉट के रूप में किसे जाना जाता है, अभी इसके बारे में अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले पढ़ा था, और यार जब कुछ देर पहले पढ़ा है तो इसका मतलब इतना ही कितनी जल्दी आप भूल गए होंगे, मुझे पता है कि आप इतनी जल्दी नहीं भूले होंगे, और जब नहीं भूले होंगे तो मालिक जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर दीजिए सभी साथ। चलिए नहीं आपको पता है तो हम बता देते हैं इसका,
यहाँ पर आपका जो उत्तर होगा वो एकदम पश्चिमी घाटी का राइट आंसर, मैंने ऊपर के प्रश्न में बताया था, ठीक है। इसका क्या होगा, इसका 20 का राइट आंसर होगा, 20 का, देखिए जो पश्चिमी घाट होता है ये, यहीं पर 16 घास पाया जाता है, ये क्षेत्र आपका, ठीक है, यहाँ पे 16 घास ही पाया जाता है, ये परीक्षा में पूछा जा चुका है। इसका उत्तर क्या होगा, बी पश्चिमी घाट इसका राइट आंसर होगा। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ थोड़ा सा तेजी से, क्योंकि आज क्लास को जल्दी खत्म करना था, पता नहीं कैसे बड़ी हो गई। जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति निम्नलिखित में से एक का स्थापना करने में निहित है, तो जल्दी से फटाफट कमेंट करिए और इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा आप सभी लोग फटाफट कमेंट करके। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करें। जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति निम्नलिखित में से किस एक की स्थापना करने में निहित है, बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वन जीव अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान उपमन, यहाँ इसका उत्तर भी ये होगा, जीव मंडल नीचे या जीव मंडल रिजर्व, याद रखिएगा जो जीव मंडल रिजर्व होता है वो जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति मानी जाती है। इसलिए जितने लोग ने इस प्रश्न का उत्तर ए बताया है उन जवाब पूरी तरह से सही, माने ए वाले राइट आंसर हैं, ए जिनका था वो सही जवाब है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ, अगला प्रश्न आपके बीच है, शायद आपको दिख रहा होगा, आप लोग इस वीडियो को, शायद मुझे लगता है आज का आखिरी प्रश्न है, सभी लोग इलेनी भी दुर्गेश पे जुड़े रहिएगा, और डेली क्लास के लिए आप सभी साथी जो भी नए आ रहे हैं वो दुर्गेश सर सर्च करके इलेनी भी दुर्गेश पर जुड़े रहेंगे, ठीक है। और ऑनलाइन क्लास के लिए 6306344367 पर व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। ये क्लास प्रतिदिन रात 9:30 बजे ई लर्निंग विद दुर्गेश पर लाइव चलती है, हमारा फेसबुक पेज ई लर्निंग विद दुर्गेश, इंस्टाग्राम ट्विटर यूट्यूब ई लर्निंग विद दुर्गेश पर, टॉपिक बाय टॉपिक। आज की जो टॉपिक है वो बायोडाइवर्सिटी है, मतलब जैव विविधता से संबंधित है। यहाँ पर प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। अब ये मत कहिएगा कि सर हमें ये नहीं पता है, क्योंकि इसके बारे में हम लोग को महत्वपूर्ण चीज़ों को पढ़ना है, और यह अभी तक मैंने कई बार पढ़ाया है, और ये एक ही टॉपिक जब बार बार आए और फिर अगर आप परीक्षा में प्रश्न गलत करें तो भैया ये तो गलत है, ठीक है। रिपीट होता, प्रश्न रिपीटेड तो होता है, लेकिन हाँ थोड़ी सी विकल्प के साथ, बदलाव के साथ आपके सामने आता है, ताकि जब आप ऐसे प्रश्नों को पढ़ें दोबारा भविष्य में गलती ना करें, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, सवाना बायोम नहीं होगा, शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं होगा, यहाँ पर यह भी नहीं इसका होगा, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन बायोम। देखिए प्रश्न में थोड़ा सा अंतर रहता है, जब थोड़ा सा अंतर मिलता है तो आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और आप कहते हैं सर ये कैसे होगा, ये गलत है। जी नहीं, आप इतनी बार तथ्यों को पढ़ ले आपके दिमाग में छप जाए, और आप जब परीक्षा हाल में जाए तो पर्यावरण से एक प्रश्न भी गलत ना हो, और जब बाहर निकले तो आपको इलनी विदुर्गेश तुरंत याद आ जाए, क्योंकि आप सभी का साथ प्यार इसी तरह से बना रहेगा, तो यकीनन आपका एक भी प्रश्न पर्यावरण में गलत नहीं होगा। चाहे कोई भी भर्ती परीक्षा हो, चाहे यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, केबीएस हो, डीएसएसबी हो, लेखपाल हो, यूपीएसआई हो, चाहे सिविल की परीक्षा हो, क्योंकि जब मैं पढ़ाता हूँ तो मैं लेवल एकदम आसान नहीं करता, मैं हर एक लेवल को ध्यान में रखकर आपकी तैयारी कराता हूँ। मेरा उद्देश्य आपका सिलेक्शन है, और आपका उद्देश्य इस वीडियो लिंक को अपने सभी साथी मित्रों तक पहुँचाना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। प्रतिदिन रात 9:30 बजे इलेनी भी दुर्गेश पर जुड़ जाया करिएगा। बाकी सभी क्लास के लिए टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें, जो भी साथी अभी तक नहीं ज्वाइन किए हैं। और विद्या माइक का समय वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। एक जाते जाते हम प्रश्न पूछेंगे, अगर आप लोग जवाब देना चाहें तो मैं आप सभी से एक प्रश्न पूछूंगा। मैं उम्मीद ये करूंगा कि जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं वे हमारे प्रश्न का जवाब जरूर देंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य ये है कि आप अपना बेस्ट देते रहें, ठीक है। तो बताइए भैया, अगर आप लोग तैयार हों प्रश्न पूछवाने के लिए तभी मैं पूछूंगा। तैयार है आप लोग? ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, यह कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा, ठीक। और एक छोटा सा प्रश्न मैं आपसे और पूछूंगा कि खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी कहाँ होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता या उत्पादक, शाकाहारी को कहाँ रखा जाता है, ये मैंने पढ़ा दिया है। उम्मीद करता हूँ आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को शेयर करेगा, अपने व्हाट्सएप के स्टेटस के साथ साथ फेसबुक के टाइमलाइन पर सभी जगह पोस्ट कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। एक प्रश्न मैंने और पूछा है कि शाकाहारी खाद्य श्रृंखला में कहाँ होते हैं, जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। अगर आप वीडियो खत्म होने के बाद देख रहे हैं तो वीडियो के अंत में इसका जवाब जरूर दीजिएगा। यह क्लास जौनपुर जनपद के सिराज हिंद से संचालित की जाती है, इलनिक दुर्गेश की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, ठीक है। चलिए इसका जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा वीडियो खत्म होने के बाद। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है।